हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था दो वर्ड से मिलकर बना है। इको जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है आपका एनवायरमेंट, और सिस्टम का मतलब मीन्स होता है आपका इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो आपका जो इकोसिस्टम है एक एनवायरमेंट का वो पार्ट है जहां पे कुछ एनिमल्स हैं आपके इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मैं बात करूं कोई भी एक इकोसिस्टम है किसी भी एक फिजिकल डिफाइंड एरिया में, वहां पे जितने भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उनका बायोटिक और एबायोटिक जो इंडिविजुअल्स का आपस में जो इंटररिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। हमारी जो इकोलॉजी की जो हायरार्की है एटम से लेके हमारी जो हायरार्की है उस हायरार्की में फर्स्ट जो आपका हायरार्की है इकोसिस्टम क्या है फंक्शनल यूनिट आपको फर्स्ट आपका हायरार्की है जो आपका कैसा है फंक्शनल है। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं बिकॉज इसके पास ऑल थिंग्स प्रोवाइड है जो एक इंडिविजुअल को सर्वाइव होने के लिए रिक्वायरमेंट है। जो भी फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो सभी चीज प्रेजेंट होती है एक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक फिजिकल डिफाइंड एरिया जहाँ पे आपके बायोटिक एबायोटिक जो आपके इंटरेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे इकोसिस्टम कहेंगे। इसके अलावा हम इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या फिर डेफिनेशंस की बात करें या टर्म की बात करें तो जो इकोसिस्टम जो टर्म है वो आपकी कोइंड की थी एजी टाम्सले ने। एजी टाम्सले ने क्या किया था कोइंड टर्म, जो टर्म इकोसिस्टम है वो आपकी कोइंड की थी एजी टाम्सले ने। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जो इकोसिस्टम है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिकली आपका जो इकोसिस्टम है वो आपका कैसे होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर बोथ आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर होती है एज वेल एज मैटर भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टाम्सले ने कॉइन की थी। इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिकली कैसा सिस्टम है आपका ओपन सिस्टम होता है। इसके अलावा हम इकोसिस्टम की अगर हम बात करें इकोसिस्टम की बाउंड्री की बात करें तो इकोसिस्टम की बाउंड्री में भी आपकी रियल हो सकती है और में भी आपकी आर्बिट्री हो सकती है। जैसे हम बात करें कि आपका ये कोई ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड इस ग्रासलैंड यहाँ पे ग्रास आपकी इस इकोसिस्टम के अंदर ग्रास प्रेजेंट है और यहां से ही आपके क्या है आपके जैसे ट्री मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके ट्री को और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके ग्रास से। तो यहाँ से मान लो आपके ट्री है वो यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया तो इसकी जो बाउंड्री है आपकी ट्री इकोसिस्टम की और आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम और आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम की ये जो बाउंड्री है आउटर जो बाउंड्री है कि जो डिफाइन कर रही है कि इतना जो एरिया है आपका वो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, ये वाला जो एरिया है आपका वो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है जहाँ पे आपके ट्री पड़ जाए। आपकी जो ये बाउंड्री है किसी भी एक इकोसिस्टम की ग्रास इकोसिस्टम या आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तो ये जो आपकी बाउंड्रीज है, ठीक है, ये बाउंड्रीज में भी कैसे सकती है मे बी रियल और आर्बिट्री, ठीक है। तो इकोसिस्टम की जो बाउंड्रीज है कि आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम कोई भी इकोसिस्टम है उसकी जो बाउंड्री है मे बी आपकी रियल भी हो सकती है और मे बी क्या हो सकती है आपकी आर्बिट्री फॉल्स भी हो सकते हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि इतना एरिया आपका ग्रासलैंड वाला रीजन है और इतना एरिया आपका फॉरेस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो इकोसिस्टम की बाउंड्री में भी रियल भी हो सकती है और में भी आपकी आर्बिट्री भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें एक जो टर्म आती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक आपका इकोटोन, ठीक है, याद रखना हमेशा कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है इकोटोन। इसी को हम ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन जोन, इकोटोन या फिर हम किस नाम से जान रहे हैं ट्रांजिशन जोन। तो आपका जैसे नाम से पता लग रहा है ट्रांजिशन, जैसे आपने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें भी आप ट्रांजिशन स्टेट देखते हो, तो ट्रांजिशन वर्ड जो है मिडल के लिए यूज होता है। जैसे आप केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन पढ़ते हो तो आप ट्रांजिशन वर्ड यूज करते हो, तो ट्रांजिशन मिडल के लिए यूज वर्ड, इंटरमीडिएट के लिए वर्ड यूज होता है। आपका जो ट्रांजिशन जो इकोटोन
वो जोन होता है जहाँ पे आपके दो इकोसिस्टम क्या हो, आपके दो ही हो। जैसे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें और आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, तो आपके जहाँ पे दो इकोसिस्टम मीट करते हैं, जहाँ पे आपका ग्रास भी प्रेजेंट हो आपकी फॉरेस्ट भी प्रेजेंट हो, उस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन जोन या फिर इकोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो जो बायोडायवर्सिटी होती है आपकी, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, तो जो बायोडायवर्सिटी है वो आपके इकोटोन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो आपके ग्रास को ग्रो होने के लिए, आपके फॉरेस्ट को ग्रो होने के लिए है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स जो ग्रास को ईट करते हैं वो भी होंगे, जो आपके ट्री पे प्रेजेंट होते हैं वो भी होंगे। दैट्स व्हाई आपका जो इकोटोन वाला जो रीजन होता है क्या होती है आपकी मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे हम ओशियन की बात करें, हम सी की बात करें, सी के अंदर आपका जो कोरल रीफ वाला जो रीजन होता है वहां पे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, इकोटोन और ट्रांजिशन जोन, दो इकोसिस्टम जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम इकोटोन या ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और आपके इकोटोन और ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या होता है आपकी बायोडायवर्सिटी कैसी होती है, आपकी मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होती है, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होती है। और मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रास भी प्रेजेंट है, आपको फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है, तो एनिमल जो ग्रास करते हैं हर्बिवोरस भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो आपके ट्री पे प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स वगैरह वो भी प्रेजेंट होंगे, तो डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो इकोटोन वाला जो रीजन होता है, ट्रांजिशन जोन वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे बायोडायवर्सिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है। और एक इकोसिस्टम होता है, इसकी जो बाउंड्रीज है ये मे बी आपकी रियल हो सकती है और मे भी कैसे हो सकती है, आपकी आर्बिट्री हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इकोसिस्टम की साइज की बात करें, तो इकोसिस्टम का जो साइज है मे भी स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, कुछ भी स्मॉल और कुछ भी लार्ज, हम नहीं बता सकते कि इकोसिस्टम का जो साइज है वो आपका कितने किलोमीटर तक का होगा, ग्रास लैंड या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम कितने किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो आपका जो इकोसिस्टम का जो साइज है वो मे भी वेरी कर, किसी भी साइज का हो सकता है। इकोसिस्टम है कुड भी किसी भी साइज का हो सकता है, और जो इकोसिस्टम है वो आपका कैसा सिस्टम होता है, डायनेमिक सिस्टम होता है। डायनेमिक सिस्टम मींस कुछ भी चीज स्टैटिक में नहीं रहती, इसमें चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपका जो पॉन्ड है जो रिवर से फिल्ड होता है, ठीक है, तो आपका जो इकोसिस्टम है उसकी ड्यूरेशन स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, तो आपका जो इकोसिस्टम है आपका कैसा सिस्टम होता है, आपका डायनेमिक सिस्टम होता है। इसके अलावा हम बात करें कि आपका जो इकोसिस्टम है इसको सस्टेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, टू सस्टेन रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, हमें इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम जो इकोसिस्टम है इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इट ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हम एग्जांपल की बात करें तो इकोसिस्टम का कोई भी आप एक दो एग्जांपल दे सकते हो, अगर आपका दो नंबर में या चार नंबर में इकोसिस्टम को अगर बात आ जाए तो आप ये सब बातें आप बता सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रासलैंड, डेजर्ट, फोन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करें तो इकोसिस्टम की जो टर्म है वो आपकी एजी ट्रांसलैंड कौन की थी, ओपन सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिकली और मे भी किसी भी साइज का हो सकता है, और आपका जो बाउंड्रीज है आपके इकोसिस्टम की जो दो इकोसिस्टम को सेपरेट करते हैं वो आपकी रियल भी हो सकती है और आपकी आर्बिट्री भी हो सकती है।
ठीक है। इसके अलावा आपका इकोसिस्टम डायनेमिक सिस्टम होता है और इसको सस्टेन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम बात करें कि आपके इकोसिस्टम में बोथ बायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं, हम जैसे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एनर्जी की हेल्प से, या फिर एक एनिमल से वो सर्वाइव होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, या तो वो एनिमल्स को ईट करके लेगा या फिर वो प्लांट को ईट करके लेगा। तो आपका जो इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और एग्जाम्पल है आपके ग्रासलैंड, डेजर्ट और आपके पॉन्ड। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमने डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट अगर हम ड्यूरेशन की बेस की बात करें तो ड्यूरेशन के बेस पे जो इकोसिस्टम है वो आपका दो टाइप का इकोसिस्टम होता है। एक होता है आपका टेम्पोररी, टेम्पोररी, सेकंड होता है आपका परमानेंट। ठीक है, अगर आपका फ्यू ड्यूरेशन के लिए नेचर में प्रेजेंट है प्रेजेंट इन फ्यू ड्यूरेशन इन नेचर, नेचर के अंदर क्या आपका फ्यू ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, टेम्पररी। सेकंड होता है जो आपका परमानेंट इन नेचर, नेचर के अंदर क्या हो परमानेंट हो, उस टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, परमानेंट। तो आपका जो इकोसिस्टम है ड्यूरेशन के बेस पे दो टाइप का होता है, एक है आपका टेम्पररी, सेकेंड है आपका परमानेंट, सेकंड परमानेंट इन नेचर, परमानेंट इन नेचर, जो आपके नेचर के अंदर क्या हो आपका परमानेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट इकोसिस्टम। और जो आपका फ्यू ड्यूरेशन के लिए हो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल की बात करें तो आपका रेनी वाटर फिल्ड पॉन्ड, आपका कोई पॉन्ड है जो आपका रेनी वाटर से फिल्ड हुआ है वो आपका एग्जांपल है टेम्पररी इकोसिस्टम का। परमानेंट इकोसिस्टम का एग्जांपल है आपका ओशियन, ठीक है, ये आपके नेचर के अंदर परमानेंट है। ठीक है, तो आपका ड्यूरेशन के बेस पे जो इकोसिस्टम है दो टाइप का है, एक आपका टेम्पररी इकोसिस्टम, सेकेंड है आपका परमानेंट इकोसिस्टम। आपको डेफिनेशन बताना चाहिए और आपको एग्जांपल बताना चाहिए ईच का। सेकंड जो बेसिस है आपका इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशंस का वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके इकोसिस्टम को ऑपरेट कौन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे जो आपका इकोसिस्टम है दो टाइप का है, एक है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, सेकेंड है आपका परमानेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ओनली बेसिस ऑपरेट, ऑपरेट कौन कर रहा है, अगर नेचर ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेचर। ठीक है, ऑपरेट कौन कर रहा हो, नेचर कर रहा हो, नेचर एनवायरमेंटल कंडीशंस उस इकोसिस्टम को क्या कर रहे हो आपका ऑपरेट कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। और जिस इकोसिस्टम को ऑपरेट करे कौन, मैन ऑपरेट करे, ह्यूमंस ऑपरेट करे, उस इकोसिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, सॉरी नेचुरल, आर्टिफिशियल लिखना है, सॉरी। तो आपका सेकंड है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऑपरेटिंग बेस पे नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका नेचर है, ठीक है, एंड नो इंटरेक्शन नो इंटरफेरेंस ऑफ मैन, उस टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। और जिस इकोसिस्टम के अंदर क्या हो आपका, मैन ऑपरेटिंग बाय ह्यूमंस, जो आपका ह्यूमंस ऑपरेट करें, उस टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो आपका जो नेचुरल जो इकोसिस्टम है इसका एग्जांपल है आपका ओशियन, पॉन्ड, डेजर्ट एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है आपका एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, जो आप खेत में एग्रीकल्चर करते हो वो आपका एग्जांपल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। तो आप घर में जो एक्वेरियम रखते हो जिसमें जो फिश होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो आपके एनिमल्स है, तो एक वो एक इकोसिस्टम, उसको ऑपरेट कौन कर रहे हो आप ऑपरेट कर रहे हो, ह्यूमंस ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो आपका एग्जांपल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। इसके अलावा आप जो खेत में जो क्रॉप ग्रो करते हो फील्ड के अंदर, वो भी एक एग्जांपल है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आपका हैबिटेट की बेसिस, ओनली बेसिस ऑफ हैबिटेट। आपका जो इकोसिस्टम है वो आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेकंड है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओनली बेसिस ऑफ हैबिटेट जो इकोसिस्टम है वो आपका दो टाइप का है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और आपका जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपकी हैबिटेट है वो आपकी क्या होती है, आपकी वाटर। और आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो आपकी हैबिटेट है वो आपकी क्या होता है, आपकी लैंड, ठीक है। आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, आपका जो वाटर है, वाटर में भी आपका कैसा हो सकता है, आपका फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन वाटर हो सकता है, साल्टी वाटर हो सकता है। तो आपका जो वाटर है मैराइन है या फिर आपका साल्टी वाटर है, उसके बेसिस पे जो एक्वेटिक सिस्टम है वो फर्दर क्लासिफाई किया है दो क्लासेस के अंदर। एक है जिसके अंदर आपकी मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेकंड है आपका फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम आपके वाटर जहां पे पड़ जाए तो हैबिटेट में, और आपका वाटर अगर आपका कैसा है साल्टी वाटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एग्जांपल की हम बात करें तो आपके जो ओशियन है, ठीक है, एस्टुरीज है, वो आपके एग्जांपल्स है मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकेंड है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, तो आपका फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है दो क्लास के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। वाटर आपका फ्रेश है बट आपका जो वाटर है वो आपका रनिंग स्टेट में है या स्टैंडिंग स्टेट में है, ठीक है। तो वाटर इसके अंदर कैसा होता है, आपका फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और आपका जो वाटर है दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है आपका लोटिक इकोसिस्टम और एक है आपका लैंटिक इकोसिस्टम। आपका जो लोटिक इकोसिस्टम है इसके अंदर आपका जो वाटर है वो आपका कैसी स्टेट में होता है, आपका रनिंग स्टेट में होता है, रनिंग। और आपका जो लैंटिक इकोसिस्टम है इसके अंदर आपका जो वाटर है वो कैसा होता है, आपका स्टैंडिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल की बात करें लोटिक का, जो एग्जांपल रनिंग में क्या होती है, आपकी रिवर्स, आपकी कैसी होती है, रनिंग स्टेट में प्रेजेंट होती है। स्टैंडिंग के एग्जांपल की बात करें तो स्टैंडिंग में वाटर आपका पोंड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आपके एग्जांपल से आपके लैंटिक इकोसिस्टम। अगर हम बात करें आपके कंपटीशन व्यू से, तो कंपटीशन में मेनली पूछा जाता है आपका इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो लोटिक इकोसिस्टम है और लैंटिक इकोसिस्टम है उसके एग्जांपल्स कौन से है या फिर कौन से नहीं है। तो आपको उसके पीछे उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आपका वाटर रनिंग स्टेट में है या स्टैंडिंग स्टेट में। आप एग्जांपल इजी वे में डिफरेंशिएट कर दोगे, या तो आपको एग्जांपल पूछा जाएगा आपसे, सेकंड चीज पूछी जा सकती है कि लैंटिक इकोसिस्टम के अंदर या फिर लोटिक इकोसिस्टम के अंदर
वाटर आपका रनिंग स्टेट में होता है, स्टैंडिंग स्टेट में होता है, या बोथ स्टेट में होता है, ठीक है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, लैंटिक और लोटिक, ठीक है। तो कंपटीशन वे में इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जो आपका हैबिटेट लैंड है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, आपका है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स है आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, जिसमें आपका ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपका थर्ड जो आपका बेसिस था इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशंस का, टाइप का, वो था आपका हैबिटेट। और हैबिटेट के बेस पे जो आपका इकोसिस्टम है, दो टाइप का, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। अगर वाटर है हैबिटेट, एक्वेटिक, लैंड है टेरेस्ट्रियल। वाटर आपका साल्टी वाटर है, मेराइन। फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर आपका रनिंग स्टेट में है, लोटिक इकोसिस्टम। स्टैंडिंग स्टेट में क्या होगा आपका, लैंटिक इकोसिस्टम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताना चाहिए सभी के, एक एक एग्जाम्पल जब भी डिफाइन करो सबका एक एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। Component of ecosystem, ठीक है। ecosystem के component क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ecosystem के अंदर दो component present होते हैं, एक आपका जो component है आपका वो है आपका biotic component, biotic component। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो आपका है ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और ए बायोटिक कंपोनेंट में आपके बोथ आपके फैक्टर्स आते हैं, आपके फिजिकल फैक्टर एज वेल एज केमिकल फैक्टर, ठीक है। तो आपका एबायोटिक फैक्टर में बहुत आपके फिजिकल फैक्टर्स और आपके केमिकल फैक्टर्स आते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स की हम बात करें, जैसे आपकी लाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपके एग्जांपल्स है फिजिकल फैक्टर। तो एक इकोसिस्टम के अंदर आपके एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और आपके लिविंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो बायोटिक कंपोनेंट, जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में, उनको हम क्या कह रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और आपके जो बायोटिक कंपोनेंट है, ये मे भी आपके फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं और मे भी आपके क्या हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, इसको ओडम ने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है दो क्लासेस के अंदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस के बेस पे जो बायोटिक कंपोनेंट है, इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। किस बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे। आपको बेसिस पता होना चाहिए कि किस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट को न्यूट्रिशंस के बेस में, जो आपके लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम के, उनको न्यूट्रिशंस के बेस पे दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। एक है आपका ऑटोट्रोप्स, सेकेंड है आपके हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स, आपके जो ऑटोट्रोप्स जो आपका फूड प्रिपेयर करे, अपना नरिशमेंट ले, अपना फूड प्रिपेयर करे, कहां से, इनऑर्गेनिक मैटर से। इनऑर्गेनिक मैटर से अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहा उन्होंने, ऑटोट्रोप्स एनिमल्स। सेकेंड जो टाइप बताया एनिमल्स का, उन्होंने क्या बताया, हेटरोट्रोप्स, जो अपना फूड कहां से करे, अपना ऑर्गेनिक मेटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपना फूड प्रिपेयर करें, उनको क्या कहा उन्होंने, हेटरोट्रोप्स। और जो आपके इनऑर्गेनिक फूड से सेल्फ ऑन फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या कहा उन्होंने, ऑटोट्रोप्स। तो ऑटम ने जो आपके बायोटिक कंपोनेंट थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नरिशमेंट के बेस पे दो टाइप के क्लासिफाई कर,
देन उन्होंने क्या किया, जो आपके ऑटोट्रॉफ्स थे, आपके जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे इनऑर्गेनिक मैटर से, उनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया कि वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक फूड से अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, केमिकल से एनर्जी ले रहे हैं या फिर आपकी सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं, उसके बेसिस पे जो आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया। एक है उसके अंदर आपकी ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अगर आपकी जो एनर्जी है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी है वो कहाँ से ले रहा है आपका, फोटो। फोटो मीन्स क्या होता है, आपकी लाइफ। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में भी कि आपको कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स, आप बायोलॉजी जब स्टार्ट करते हो 11th से जब स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ आपको प्रीफिक्स और सफिक्स आपको याद करने होंगे, क्योंकि आप कहीं पे भी चल जाओ, जैसे हमने फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो पिरियोडिज्म देखा, हमने फोटो सिंथेसिस देखा, ठीक है, फोटो पिगमेंटेशन देखा, तो फोटो वर्ड का मीनिंग हर जगह लाइफ था। तो अगर वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है इनऑर्गेनिक मैटर का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उनको हम क्या कह रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। कहाँ से ले, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करें, सनलाइट। और जो आपका केमिकल्स होते हैं, जैसे हम बात करें H2S की बात करें, सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया की बात करें, तो कुछ आपके केमिकल्स है, उन केमिकल्स से क्या करें, एनर्जी ड्राइव करें, उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी ड्राइव करें, उन एनिमल्स को क्या कहा उन्होंने, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो आपके ऑटोट्रॉप्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप, जो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे इनऑर्गेनिक मटेरियल से, उनको ऑटोट्रॉप्स का, जो आपके केमिकल्स से क्या कर रहे थे, एनर्जी ड्राइव करके क्या कर रहे थे, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे, उनको क्या कहा, कीमो ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो फोटो ऑटोट्रोप्स है उसके एग्जाम्पल है आपकी फाइटो प्लैंक्टोन्स, फाइटो प्लैंक्टोन्स, एल्गी। मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना, अगर समझ ना आए यहाँ पे तो लिख लेना। आप फोटो ऑटोट्रोप्स आपकी जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको फोटोट्रॉप्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और आपके प्लांट्स। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, आपके फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमोटोट्रॉप्स की बात करें तो आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपके जैसे बात करें साइनोबैक्टीरिया की बात करें, सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, आयरन बैक्टीरिया की बात करें, वो आपके एग्जाम्पल है आपके कीमो ऑटो। नेक्स्ट इसमें जो आपको याद रखना है आपके कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में, हमने क्लासिफाई किया ऑटोट्रॉप्स को, आपको ऑटोट्रॉप्स याद नहीं रखना है। अब आप इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हो तो आप ऑटोट्रॉप्स वर्ड यूज नहीं करोगे, ऑटोट्रॉप्स की जगह आप एक वर्ड यूज करोगे, वो यूज करोगे आप प्रोड्यूसर। क्या वर्ड यूज करोगे, प्रोड्यूसर। तो इकोसिस्टम के अंदर जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है, जो इनऑर्गेनिक मेटेरियल से सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करें, आइदर सनलाइट और केमिकल्स, उन सबको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ऑटोट्रॉप्स का हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर, क्योंकि आप फूड चैन, फूड वेब, हम जो आपकी प्रोडक्टिविटी है सब में जो हम बात करेंगे उसमें हम प्रोड्यूसर्स वर्ड यूज करेंगे, तो प्रोड्यूसर्स हम ऑटोट्रॉप्स को कह रहे हैं। और हमें ऑटोट्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से एनिमल्स होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, तो आपको प्रोड्यूसर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे तो ट्रॉपिक लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपके ऑटोट्रॉप्स की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोड्यूसर यूज करेंगे, और आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके जो ट्रॉपिक लेवल पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लेस्ड है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके हेटरोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो आपके जो एट्रोट्रोप्स हैं नरिशमेंट के बेसिस पे हमने एट्रोट्रोप्स को फर्दर क्लासिफाई किया कि आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है तो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड ईट कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल वाला। ठीक है, तो अपना जो फूड है वो आपका एनिमल को ईट कर रहे हैं, प्लांट को ईट कर रहे हैं, या फिर बोथ प्लांट और एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो आपके हेट्रोट्रोप्स है उनको तीन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। ये मैं रब कर रहा हूँ, तो आपके जो हेट्रोट्रोप्स हैं इनको तीन क्लासेज में क्लासिफाई, मेन अगर हम बात करें तो मेन तीन क्लासेज में ही क्लासिफाई किया हुआ है। एक है आपका
हर्बीवोरस, सेकंड है आपका कार्निवोरस, और थर्ड है आपका ओमनीवोरस। ठीक है, तो आपके जो हेटरोट्रोप्स हैं उनको तीन क्लास में क्लासिफाई किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और आपका ओमनीवोरस। आपके जो हर्बीवोरस जो आपके क्या करें, आपके प्लांट को ईट करें, वेजिटेशंस को ईट करें, उन एनिमल्स को क्या कहें, क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है, हर्बीवोरस यूज किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो आपके जो हर्बीवोरस के एग्जांपल है आपके डियर, काउ, बफेलो एटसेट्रा। सेकंड है आपके कार्निवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्या करें, आपके एनिमल्स को ईट करें, उन एनिमल उन हेटरोट्रोप्स को हम क्या कहेंगे, कार्निवोरस। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके कार्निवोरस का लोइन और आपका, हम बात करें हवा की बात करें, ठीक है, एटसेट्रा। थर्ड है आपका ओमनीवायरस। ठीक है, ओमनीवर्ड होता है आपका, जैसे आपने सुना होगा ओमनी वायरस, ओमनी का मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक है, जो कुछ भी मिल जाए, सब प्लांट मिल जाए तो प्लांट को ईट कर लेगा, एनिमल मिले तो एनिमल को ईट कर लेगा, और एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन से आपका ओमनीवायरस, वो एनिमल्स को भी खा लेता है, वो प्लांट्स को भी ईट कर लेता है। ठीक है, तो ओमनीवायरस जो आपके बोथ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को ईट कर लेता है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपका ह्यूमन। बट आपको ना ही हर्बीवोरस वर्ड यूज करना है, ना ही आपको कार्निवोरस यूज करना है, ना ही आपको ओमनीवायरस यूज करना है इकोसिस्टम के अंदर। जैसे मैंने बताया था ऑटोट्रॉप के लिए वर्ड यूज करना है आपको, प्रोड्यूसर वर्ड यूज करना है। इसी तरह आपके जो हेटरोट्रॉप्स है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आपका कंज्यूमर। क्या वर्ड यूज किया जाता है, कंज्यूमर। ये आपके सभी कंज्यूमर है, हर्बीवोरस भी कंज्यूमर है, कार्निवोरस भी कंज्यूमर्स है, और आपके ओमनीवायरस भी कंज्यूमर्स है। तो आपके लोग क्या वर्ड यूज करोगे, आप कंज्यूमर यूज करोगे वर्ड। और आपके जो कंज्यूमर्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, एक है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जैसे बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें, जो आपके प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और आपके जो प्लांट्स को ईट करते हैं उनको क्या कह रहे हैं, हर्बीवोरस। तो आपके प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल है आपके हर्बीवोरस। जितने भी आपके जो प्लांट को ईट करते हैं, वेजिटेशन को ईट करते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। सेकंड हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको टर्शियरी कंज्यूमर्स, और जो टर्शियरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर्स, या फिर हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। या फिर इसके अलावा आप बहुत सी आपकी जैसे बुक होती है उसमें कार्निवोरस वर्ड यूज किया जाता है, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्शियरी कार्निवोरस। बट उसके रिप्लेस में अगर आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज करोगे कंज्यूमर, क्योंकि बहुत ऑल आर कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स है आपके, हर्बीवोरस भी कंज्यूमर्स है, कार्निवोरस भी कंज्यूमर्स है, ओमनीवायरस भी कंज्यूमर। बट आप कार्निवोरस वर्ड यूज करोगे तो कार्निवोरस से आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कार्निवोरस है, सेकेंडरी कार्निवोरस है, टर्शियरी कार्निवोरस है। दैट्स व्हाई क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कंज्यूमर्स। और आपके